दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने अमृत भारत योजना स्टेशन योजना के तहत विदिशा रेलवे स्टेशन के कार्यों का लिया जायजा, कार्य में तेजी लाने की कही बात। वात्सल्य स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया धूमधाम से। नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री कृष्ण व राधा का किया रूप धारण। और त्योहारों के चलते पुलिस कंट्रोल रूम में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक। कलेक्टर एसपी सहित नगर के सभी धर्मों के धर्मावलंबी रहे मौजूद। विदिशा रेलवे स्टेशन पर भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी विशेष ट्रेन के माध्यम से विदिशा पहुंचे थे, जहां उन्होंने और उनके साथ आए अन्य अधिकारियों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। निर्माण कार्य को और तेजी से करने के संबंध में उन्होंने निर्देशित भी किया। उन्होंने स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक एक पर भवन निर्माण, ओवरब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया, प्रवेश द्वार, अतिरिक्त सड़क मार्ग और अन्य कार्यों का बारीकी से अवलोकन करते हुए निर्माण एजेंसी को कार्य में तेजी लाने के संबंध में निर्देशित भी किया। वहीं एजेंसी को काम के दौरान आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी लेकर उसे दूर करने के संबंध में आश्वासन भी दिया। विदिशा निरीक्षण करने के बाद वे गंजवासोता की ओर रवाना हो गए। अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा, इधर घड़ा ना उधर जाएंगे उनके साथ। बाइक ना दे देंगे? हाँ दे देंगे थोड़ा देर। सर आज आपका विदिशा रेलवे स्टेशन निरीक्षण हुआ, किन किन चीज़ों बिंदुओं पर जाँच है? देखिए यहाँ विदिशा में आप देख ही रहे हैं, यहाँ से अमृत भारत के लिए हम लोग स्टेशन का पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे फसाद बन रहा है, सर्कुलेटिंग एरिया बन रहा है, जो यात्री सुविधाएँ उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो इस सबका हमारा है कि जल्दी से जल्दी हम यात्रियों को इसकी सुविधा का लाभ पहुँचा सकें, और हमारी आशा है कि हम जल्दी से जल्द इसमें सफल भी होंगे। तो इसके लिए हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि काम को एक्सपोडाइट कर सकें। थैंक यू, थैंक यू। वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नंदनवन गार्डन के नन्हे मुन्ने बच्चों एवं प्राथमिक कक्षा के बच्चों ने रंग बिरंगी आकर्षक परिधान में श्री कृष्ण और राधा का रूप धारण कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया। हाथ में मुरली, सिर पर मुकुट और मोर पंख धारण कर आकर्षक झलक दिखलाई। स्कूली स्टाफ भी मौजूद रहा। मैम
मैम क्या नाम है आपका? मेरा मंशुलपुरी है। आज कौन से स्कूल में और ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया? हम वासल स्कूल में हैं और हमारे यहाँ प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण के जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में राधा कृष्ण बन के आए हैं। उनको बताया गया कि जन्माष्टमी क्या है, हम क्यों मनाते हैं, जन्माष्टमी किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, कृष्ण जी का जन्म होता है, तो उनसे जुड़ी हुई लीलाओं के बारे में सारी चीज़ें उनको बताई है हमने। शहर के सबसे व्यस्तम माधवगंज रेलवे स्टेशन मार्ग पर नाले की खुदाई की गई, जहां के मुख्य मार्ग से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। नगर पालिका द्वारा बारिश के पानी की निकासी हेतु नाले की साफ सफाई बारिश काल में ही की जा रही है। आगामी त्योहारों के चलते पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी दीपक कुमार शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारी और शहर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रबुद्ध व गणमान्यों की उपस्थिति रही और आवश्यक चर्चाएं की गई। साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था बना के रखनी है। जो हमारे देश के स्वच्छतम शहर हैं उन शहरों में अक्सर क्योंकि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था कई लोगों ने रेज किया है, आप लोगों से इतनी अपेक्षा है कि कहीं पे भी कूड़ा कचरा ना हो। कई बार ऐसा देखने में आता है हम आपकी प्रशासन की गलती नहीं, हम हमारी भी गलती बता रहे हैं कि हम लोग उसे सम्मान ना दे गए, हमारे राजा बैठे हैं दिल्ली में, उनकी सीट रिजर्व है, बैठे हैं एस पी साहब को लेकर वो भी यहाँ उनकी सीट रिजर्व है, बैठे हैं धर्माधिकारियों की सीट रिजर्व है, बैठे हैं हमारे विदिशा के राजा हमारे बीच में बैठे हैं। अभी इस शांति समिति की बैठक से पहले मैंने और एस पी साहब अपने सभी तहसील, सभी अनुभाग और सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक के संबंध में ली और आने वाला जो एक महीना दो महीना है, जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया और हमारे पास भी कैलेंडर है, पूरा त्योहारों का सीजन है। सोमवार को जन्माष्टमी है, चंद्रोम है, गणेश उत्सव है, तो सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय से शुरुआत करते हैं। अतुल सिंह, सीएसपी की सर। धर्मपुर को राधा अष्टमी का दिन होगा। नदवाने में बड़ी बजरिया पुलिस चौकी के पीछे राधा जी का जो मंदिर है, जो साल भर में केवल एक दिन डॉक्टर कपिल शास्त्री तरह से पहुंचने के आपस में सभी लोग चले जाएगा, लेकिन 8 तारीख बालक से जैसे सांझे गुलाबगंज दसौदा सुरंग इसी जगह से हमारे जो ईसाई विश्वास है हमारे कैंपस में आए आठ सितंबर 2024 रविवार को ऋषि पंचमी का व्रत होगा, जिसमें हजारों की संख्या में स्त्रियां बड़े वाले घाट पर सिरोंज तहसील के रहवासी शनिवार की देर शाम को जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सिरोंज को जिला बनाया जाए। जिला बनाने हेतु काफी समय से आवाज उठाई जा रही है, कई किलोमीटर की दूरी कर उन्हें जिला मुख्यालय विदिशा आना पड़ता है। मैडम को दिया, जिला बन गया समझ लो। ठीक है सर। रमेश यादव सिरोंज, किस उद्देश्य को लेकर संबंध में हम सिरोंज को जिला बनाने के उद्देश्य से लेकर आए हैं। सिरोंज पहले राजस्थान, जब 56 तक हमारा सिरोंज राजस्थान में लगता था तो हम जिले में थे, हमारा सिरोंज जिला था, लेकिन लगभग 64 साल बीत गए, बहुत सारे मध्य प्रदेश में जिले बनाए गए लेकिन सिरोंज को अनदेखा किया गया। हमारी मांग है कि सिरोंज को तत्काल जिला बनाया जाए, और इसलिए भी बनाया जाए
कि सिरोंज लगभग यहाँ से 85 किलोमीटर दूर, और लटेरी का सुदूर जो अमाई, बाजना, उनारसी, आनंदपुर लगभग 150 किलोमीटर पड़ते हैं। लोगों को जिले में हर रोज़ कोई ना कोई काम पड़ता है और दीनहीन गरीब लोग आने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमारा बहुत प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेताओं से भी आग्रह है कि इस ओर तत्काल अपना ध्यान आकर्षित करके और सिरोंज को जिला बनाया। लगभग कितने सालों से आप प्रयास कर रहे हैं इस बात को? लगभग हमारा अनवरत तो संघर्ष चल रहा है। हमारी हमसे पहले की पूर्व की पीढ़ी थी वो भी संघर्ष करती रही, हम लोगों ने भी लगभग हमें ये 20-25 साल हो गए संघर्ष करते हुए। हम चाहते हैं कि तत्काल सिरोंज को जिला बनाया जाए, क्योंकि कुमार भार्गव जी कहाँ से हैं? सिरोंज से। विदिशा तहसील में सिरोंज आती है, लेकिन सिरोंज में क्या दिक्कत है विदिशा में शामिल है अभी तो? विदिशा से सिरोंज की दूरी बहुत ज़्यादा है। सिरोंज क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जिला बनने लायक है, तहसील की दृष्टि से भी जिला बनने लायक है। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा ने इसके लिए बहुत प्रयास किए थे, पहल की थी, सामाजिक रूप से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उन्होंने प्रपोजल भी इसका तैयार किया और मध्य प्रदेश सरकार को भी भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से वो चुनाव के पहले बात लीक हो गई और सिरोंज जिला बनने से रुक गया। किस बैनर के तले आप यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं? हम सामाजिक संगठन के लोग भी हैं, राजनीतिक संगठन के लोग भी हैं और आम नागरिक भी हैं। खाने का मीठा तेल के दाम पहले से अब काफ़ी बढ़ गए हैं। वहीं शहर के व्यवसायी रवि तलरेजा ने बताया कि मीठा नकली तेल भी बाजार में बिक रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अभी वर्तमान में तेल विगत 5 वर्षों से बहुत ही कम रेट में बिक रहा था, बाकी अभी 3-4 दिन में तेल में 3.5 से 4 रुपये किलो की तेज़ी आई हुई है, क्योंकि फॉरेन मार्केट बहुत तेज़ है और अब समय मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने बाद तेल रखकर आप स्टॉक करें अपने घर पर, क्योंकि जो सनफ्लावर तेल पिछले साल 2900 रुपये केन थी, आज 1700 रुपये केन बिकने लगी मार्केट में, क्योंकि जो जिनके पास घरों में हार्ट की बीमारी हो जाती है लोग तभी सनफ्लावर का तेल खाते हैं। मेरी राय ये है कि आप तो आज बहुत अच्छा रेट है, आप 1 महीने एक तेल के रखते हैं, 6-6 किने रख लीजिए, क्योंकि ये रेट कभी वापस नहीं आते हैं। 8% के लिए कौन सा तेल बढ़िया है? सनफ्लावर का तेल बहुत अच्छा है, राइस ब्रांड तेल बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर सजेशन उसी का करते हैं, और शुगर के लिए वीवो तेल आता है फॉर्चून कंपनी का, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर मैं नहीं हूँ पर मुझे जानकारी है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि हमें सुरक्षित रहना है। तो खाद्य तेलों में क्या नकली तेल भी बाजार में बहुत आ रहे हैं, क्योंकि कृति के नाम से आ रहा है, रुचि के नाम से विशिष्टा आ रहा है, और नकली तेल बहुत बाजार में आ रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ता अपनी पैसे तो पूरे देता है पर उस पर भी थोड़ा जागरूक बन के जो हमारे तो आप व्यापारी, तो व्यापारी तो नकली तेल बेच रहा होगा ना, उसके लिए हम क्या प्रयास करेंगे? नकली तेल व्यापारी नहीं बेच रहा है, क्यों क्या रहता है, ये बाहर से आता है माल, क्योंकि आज हम बाजार में बैठे हुए हैं, आप इतने सालों से हमारी जो भी दुकान है आप दुकान के अंदर आके देखिए, एक भी आने एक पारी रेट का माल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम खाद्य तेल बेच रहे हैं। खाने में क्या है, घर पर 1 चम्मच आप रोज खाते हो या 1 प्लेट रोज खाते हो, आपको तेल जरूर लगता है, क्योंकि आजकल तेल ही सबसे ज़्यादा घरों में उपयोग हो रहा है। घरों में कोई कार्यक्रम होता है तो आप बल्क में तेल लेते हो, क्योंकि तेल आज तारीख में स्थिर बाजार है, क्योंकि तेल अभी लेना चाहिए। बाल कांग्रेस द्वारा नीमताल गांधी चौक पर देश में लगातार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, बलात्कार व हत्या जैसे जघन्य अपराध के विरोध में प्रदर्शन किया गया था और केंद्र सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग बाल कांग्रेस ने उठाई है, ताकि ऐसे दुष्कर्मियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। बाल कांग्रेस के मयंक शर्मा, अनिकेत गुर्जर, अभिनव पारासर, दिवाकर किरार, मोहम्मद कैफ, विजय शर्मा आदि शामिल रहे। मैं मयंक शर्मा, अध्यक्ष बाल कांग्रेस विदिशा, जो कोलकाता में हमारी बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, हम पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि उन अपराधियों को ऐसी सज़ा दी जाए कि जो भी अब आगे से ऐसा करने की सोचे भी उसकी रूह कांप जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि उस बहन को जस्टिस मिले और आज से ही हमारे देश में दुष्कर्म बंद हो, ऐसा सख्त कानून हमारी भारत सरकार लागू करे। आज की खबरों को देते हैं पर विराम, आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा।
विधि से एमटी न्यूज़। नमस्कार।